हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में। पाइथन में कमेंट्स का क्या यूज़ है और इसे कैसे यूज़ करते हैं हम। तो बेसिकली कमेंट्स होते क्या हैं? कमेंट्स हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे हमने कोई कोड लिखा है, अब जैसे उस कोड में हमने कुछ प्रिंट करवाया, तो हमने वो क्यों प्रिंट करवाया, ये अगर हमें किसी अपने लिए इंफॉर्मेशन देनी हो, या मतलब कोई आगे जाके देखे उस कोड को तो उसे पता लग जाए कि हमने वो प्रिंट क्यों करवाया, इसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। एक एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हमने वो कोड क्यों लिखा है, वो लाइन क्यों लिखी है। कमेंट्स आर यूजफुल इंफॉर्मेशन डेट द डेवलपर्स प्रोवाइड टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड द सोर्स कोड। इट एक्सप्लेन्स द लॉजिक और अ पार्ट ऑफ इट यूज इन द कोड। जो हमने लॉजिक इस्तेमाल किया है अपने कोड में, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी पार्ट को समझाने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली दो टाइप के कमेंट्स होते हैं पाइथन में। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन कमेंट्स देखते हैं क्या होता है। मैं एक फाइल बना लेता हूँ। ये मेरी सिंगल लाइन कमेंट्स नाम की फाइल है पाइथन की। अब जैसे कि मैंने कुछ प्रिंट करवाया, प्रिंट मैंने प्रिंट करवाया दिस इज सिंगल लाइन कमेंट डेमो। जैसे कि मैंने ये प्रिंट करवाया, प्रिंट दिस इज सिंगल लाइन कमेंट डेमो, डबल कोट्स के अंदर है क्योंकि स्ट्रिंग है ये। अब मुझे इसमें एक इंफॉर्मेशन देनी है कि मैंने ये क्यों प्रिंट करवाया, अपने लिए चाहे किसी और के लिए, किसी के लिए भी आगे के यूज़ के लिए, कि मैंने ये प्रिंट क्यों करवाया। तो उसके लिए हम इसमें कमेंट जोड़ेंगे। अब इसमें कमेंट कैसे हम जोड़ सकते हैं, कमेंट कैसे लिख सकते हैं इसमें, तो हम इसमें हैश का यूज़ करेंगे, सिंगल हैश, और फिर बाद में हम इसमें मैसेज लिख देंगे कि हमने क्यों यूज़ करा। ये हो गया हमारा मैसेज। अब हम जब इसे रन करेंगे तो हमारे कंपाइलर का इससे कुछ लेना देना नहीं होता कमेंट से, वो अब भी यही प्रिंट करेगा, इसको नहीं देखता वो ये सिर्फ हमारे यूज़ के लिए होता है। ये देखो, इसने अभी इसी को प्रिंट करा है। इस कंपाइलर का इससे लेना देना कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारे यूज़ के लिए है। दिस इज़ डेमो फॉर सिंगल लाइन कमेंट। ये तो हो गया जो हमारा कमेंट छोटा है, ठीक है, ये तो एक ही लाइन में कमेंट आ गया हमारा, इसलिए हमने हैश का यूज़ कर लिया इसमें। अब मान लो कि हमें कुछ बड़ा कमेंट लिखना है जिसमें हमने पूरा पूरा डिफाइन कर रखा है किसी चीज़ को, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैं इसके नीचे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, अगर मैं इसके आगे हैश लगा दूँ तो ये भी एक कमेंट हो जाएगा। लेकिन ये तो जब है जब एक और दो लाइन है, अगर ऐसी पांच छह लाइन हुई तो। वैसे ये पांच छह लाइन है, इसके आगे हमें हर किसी के आगे हैश लगाना पड़ेगा, हैश का यूज़ करना पड़ेगा इसे कमेंट बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, हम इसमें मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एक कमेंट मतलब एक लाइन से ज़्यादा कमेंट का यूज़ करते हैं, उसमें हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, इसमें तो हम हैश लगाते थे, उसके लिए हमें यूज़ करना होता हैश की जगह पे। हैश नहीं करते उसमें, उसमें डबल कोट्स का तीन बार यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में और जहाँ तक कमेंट लिखे हुए हैं वहाँ पर।
यहाँ तीन कोट्स लगा दे डबल कोट्स, यहाँ तीन कोट्स लगा दे डबल कोट्स। तो ये सारा कमेंट हो गया हमारा। इसको दोबारा रन करा के देखते हैं। ये देखो, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट डेमो, यानी कि हमारा ये इसमें इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये हमारे लिए सिर्फ यूज़ के लिए। हमारा जो कंपाइलर है वो इसी को प्रिंट करवा रहा है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट और ये है मल्टी लाइन कमेंट।